शाहजहाँपुर के नई सड़क स्थित हरायपुरा सरकारी स्कूल जर्जर अवस्था में है, जबकि इसे सीएम राइज स्कूल घोषित किया गया है। आज बारिश के दौरान स्कूल की छत से प्लास्टर का बड़ा हिस्सा भर भराकर नीचे गिर गया। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ। स्कूल के प्रचार का कहना है कि पूरा स्कूल भवन जर्जर अवस्था में है और बारिश के दिनों में तो यहाँ हालात और भी ज़्यादा खराब हो जाते हैं। को शासन ने पहले यह बालक माध्यमिक विद्यालय हरायपुरा एकीकृत शाला था, लेकिन वर्तमान में ये सीएम राइज के अंतर्गत इसको लिया और जबकि यह जो क्रमांक दो के अधीन है और इसके लिए जो है काफ़ी कुछ जो है सरकार की योजनाएं हैं, ये जो बहुत ही अच्छी तरीके से चले हाँ। और इसमें जो हमारे यहाँ लगभग इसमें 360 बच्चे अध्ययनरत हैं वर्तमान। सीएम राइज स्कूल में क्या सुविधाएँ होना चाहिए? सीएम राइज स्कूल में सारे कमरे सारी व्यवस्था बहुत ही अच्छी होना चाहिए। यहाँ पर किसी प्रकार कोई एक भी जगह कहीं कोई टूट फूट भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इस बिल्डिंग को शासन द्वारा इसको लिया गया है जहाँ पर किसी प्रकार की शासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ पर ना कोई फर्नीचर उसकी फर्नीचर की व्यवस्था बच्चों के जो है बैठने की, ना उनके जो है ये बैठने के लिए कक्षों की व्यवस्था नहीं है। इसके चयन के पहले आपसे कोई विचार विमर्श किया? किसी प्रकार का कोई विचार विमर्श नहीं किया गया, ये सब अधिकारियों ने अपने हिसाब से इसको कर लिया है ना। और इसको जो है जबकि ये इस लायक ये क्षमता हमारी थी नहीं। और कोई विकल्प है शाहजहाँपुर में? शाहजहाँपुर में विकल्प थे, इससे अच्छा जो है हमारा जो है जहाँ पर हमारे तीनों जो है शाला हैं जो प्राथमिक माध्यमिक और हायर सेकेंडरी ज्योति नगर, इसके लिए बहुत ही उपयुक्त था। उससे ऐसी क्षमता कोई हो ही नहीं सकती थी सीएम राइज के लिए, जबकि यह जो है बिल्डिंग अलग है, क्रमांक दो अलग है भाई, क्रमांक दो जो इससे बिल्कुल ही अलग है, जबकि इसको उसमें जोड़ा गया यही गलत है। क्या नाम है आपका? हिमांशु। कौन सी क्लास में है? सिक्स्थ। ये चद्दर से पानी छूता है तो आपको दिक्कत आती है? बहुत दिक्कत आती है, कोने में। और क्या परेशानी है आपको? और आज पढ़ाई करने में दिक्कत आती है। सीएम राइज स्कूल घोषित होने के बावजूद स्कूल में ना तो फर्नीचर की ठीक ठाक व्यवस्था है और ना ही सुविधाएं। पुराने और जर्जर भवन के कारण हादसे का अंदेशा हमेशा बना रहता है। कई बार विभाग को सूचना भी दी गई, लेकिन अब तक इस मामले में कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। टाइम एट मध्य प्रदेश के लिए शाहजहाँपुर से शैलेश वर्मा की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम एट मध्य प्रदेश। टाइम एट मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शाहजहाँपुर के नई सड़क स्थित हरायपुरा सरकारी स्कूल जर्जर अवस्था में है, जबकि इसे सीएम राइज स्कूल घोषित किया गया है। आज बारिश के दौरान स्कूल की छत से प्लास्टर का बड़ा हिस्सा भर भराकर नीचे गिर गया। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ। स्कूल के प्रचार का कहना है कि पूरा स्कूल भवन जर्जर अवस्था में है और बारिश के दिनों में तो यहाँ हालात और भी ज़्यादा खराब हो जाते हैं। को शासन ने पहले यह बालक माध्यमिक विद्यालय हरायपुरा एकीकृत शाला था, लेकिन वर्तमान में ये सीएम राइज के अंतर्गत इसको लिया और जबकि यह जो क्रमांक दो के अधीन है और इसके लिए जो है काफ़ी कुछ जो है सरकार की योजनाएं हैं, ये जो बहुत ही अच्छी तरीके से चले हाँ। और इसमें जो हमारे यहाँ लगभग इसमें 360 बच्चे अध्ययनरत हैं वर्तमान। सीएम राइज स्कूल में क्या सुविधाएँ होना चाहिए? सीएम राइज स्कूल में सारे कमरे सारी व्यवस्था बहुत ही अच्छी होना चाहिए। यहाँ पर किसी प्रकार कोई एक भी जगह कहीं कोई टूट फूट भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इस बिल्डिंग को शासन द्वारा इसको लिया गया है जहाँ पर किसी प्रकार की शासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ पर ना कोई फर्नीचर उसकी फर्नीचर की व्यवस्था बच्चों के जो है बैठने की, ना उनके जो है ये बैठने के लिए कक्षों की व्यवस्था नहीं। इसके चयन के पहले आपसे कोई विचार विमर्श किया? किसी प्रकार का कोई विचार विमर्श नहीं किया गया, ये सब अधिकारियों ने अपने हिसाब से इसको कर लिया है ना। और इसको जो है जबकि ये इस लायक ये क्षमता हमारी थी नहीं। और कोई विकल्प है शाहजहाँपुर में? शाहजहाँपुर में विकल्प थे, इससे अच्छा जो है हमारा जो है जहाँ पर हमारे तीनों जो है शाला हैं जो प्राथमिक माध्यमिक और हायर सेकेंडरी ज्योति नगर, इसके लिए बहुत ही उपयुक्त था। उससे ऐसी क्षमता कोई हो ही नहीं सकती थी सीएम राइज के लिए, जबकि यह जो है बिल्डिंग अलग है, क्रमांक दो अलग है भाई, क्रमांक दो जो इससे बिल्कुल ही अलग है, जबकि इसको उसमें जोड़ा गया यही गलत है। क्या नाम है आपका? हिमांशु। कौन सी क्लास में है? सिक्स्थ। ये चद्दर से पानी छूता है तो आपको दिक्कत आती है? बहुत दिक्कत आती है, कोने में। और क्या परेशानी है आपको? और आज पढ़ाई करने में दिक्कत आती है। सीएम राइज स्कूल घोषित होने के बावजूद स्कूल में ना तो फर्नीचर की ठीक ठाक व्यवस्था है और ना ही सुविधाएं। पुराने और जर्जर भवन के कारण हादसे का अंदेशा हमेशा बना रहता है। कई बार विभाग को सूचना भी दी गई, लेकिन अब तक इस मामले में कोई भी सुनवाई नहीं हुई है।
टाइम एट मध्य प्रदेश के लिए शाजापुर से शैलेश वर्मा की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम एट मध्य प्रदेश। टाइम एट मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।